मैंने तो दाढ़ी बना लिया, चलते मेकअप करने। मंच रेडी हो चुका, जादूगरनी कहा थे कि जादूगरनी अब तक सोई हुई है। अरे उठो जल्दी मेकअप करो, प्रोग्राम से चालू चालू करना है, लेट हो रही है, जल्दी उठो। ए ए सो गए, देखिए जब प्रोग्राम चालू होता है सो जाती है। तो जादूगरनी रेडी हो रही है, अब मैं भी चलता हूँ। रेडी नहीं हो रही, तो क्या करो, रेडी कब होना है? ठीक, जल्दी करो। तो शो से पहले खाना खा लेते हैं, और जादूगरनी खाना खा रही है, देख रहे हैं। चावल है, इसमें मटन है, मर्चा है, प्याज है और दाल है। तो पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं मंच पे। तो आइए देखते हैं मंच, मंच रेडी हुआ कि नहीं हुआ अब तक। मंच में क्या क्या काम लग हो चुका, क्या नहीं हुआ है। ये बैलून वगैरह लग चुका है, अभी नाम भी लिखा चुका, नाम क्या है, पारामाउंट पब्लिक स्कूल एनुअल फंक्शन। लगभग तो सब रेडी है, एक आध घंटा समय लगेगा सर, एक घंटा, 1 आवर में सब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैजिक दिखाया जाएगा। देखिए बुची मेरी जैसा एकदम रेडी है, रेडी बुची, बुची रेडी हो गई। हेलो बाय बाय, तो चलते हैं मैजिक शो चालू करने। तो मंच रेडी हो रहा है, आज जादूगर ने जल्दी रेडी हो। तो चलिए कुछ देर में मैजिक शो चालू किया जाएगा। मैं बैनर भी लग चुका यहाँ पे, और चेयर वगैरह सब लग चुका है। तो चलिए देखते हैं, जाओ माया तैयार हुई, रेडी हुई। देखिए बाहर में बच्चे साल भर कड़ी मेहनत के साथ वो फाइनल एग्जाम देते हैं, उसके बाद उन बच्चों के सर्वांगीण विकास। मैं रेडी कब से होकर मैं वेट कर रहा हूँ, शो चालू कब होगा। लेट हो रही है ना, 5 बजे टाइमिंग था, 6 बजने जा रहा है, 1 घंटा लेट है। जादूगरनी भी रेडी है, देख सकते हैं वहाँ पे जादूगरनी रेडी, जादूगर रेडी, तो मैजिक शो रेडी। तो देख रहे हैं हमारे मंच के पास दो बच्चा मिला जो पेड़ पौधा बना हुआ है, देख रहे हैं इसके पूरे बॉडी में पत्ता ही पत्ता। नाम क्या आपका, आपका ये पत्ता कब है, कितने सालों से आपके शरीर में चिपका हुआ है? 2 दिन से। देखिए इसे पूरे बॉडी में पत्ता ही पत्ता उपज गया है। देखिए जादूगरनी का भी मेकअप खराब होते जा रहा है, वेट करते करते ये कौन आ गया, सलमान खान। तो चलिए चलते हैं, अब मैच में अनाउंसमेंट हो गई है कि जादूगर जेड अपने मंच पे आए। तो मैं चलता हूँ, मैं यूनिफॉर्म पहन लिया, अब चलते हैं मंच पे शो दिखाने जादू। एनुअल फंक्शन के लिए पौधा वाले बच्चे, बच्चों का तो प्रोग्राम आप देखेंगे ही, और आप लोगों के लिए विशेष कार्यक्रम रखा गया है। आप फ्रेंड्स अभी आए थे नेताजी, बाहर से आए थे नेताजी, नेताजी मुझे पहनाए माला, क्या है नेताजी, क्या नाम थे पता नहीं। तो देख सकते हैं प्रोग्राम करते करते भी आंधी तूफान आ गई, आंधी तूफान आने की वजह से पब्लिक थोड़ा सा भाग गया, और मैं भी भाग रहा हूँ मंच से नीचे। शो में मेरा तबाही मच गया आज, प्रोग्राम से करते करते आंधी और तूफान आ गई, इसमें भगदड़ मच गया, और जो ऊपर का जो पंडाल था ना वो भी गिर गया। तो देख सकते हैं पूरा खमाखम पब्लिक भरा हुआ था, सभी उठ के भाग गए, आधा पब्लिक तो चले गए, कुछ बचे हुए हैं, और अभी लाइट नहीं है, लाइट भी चली गई, और बारिश भी होने की संभावना, बारिश भी हो सकती है अभी। बताओ कैसे क्या होगा, आंधी तूफान आ गया, क्या होगा? शो के दौरान आंधी और तूफान आ गई, बारिश भी हो रहा है ना हल्का हल्का, पब्लिक बहुत ज्यादा था ना, सब कहाँ चला गया, आगे चला गया, डर नहीं गया, मतलब क्लास में नहीं, सारे पब्लिक भाग गया यहाँ से, चला गया जी। कुछ बचा हुआ है, कुछ बचा हुआ लगभग, कितना पब्लिक था, 150 के आसपास, लगभग 1000 पब्लिक अभी थे, इतना पूरा हॉल भरा हुआ था आंधी। तो खैर बनाइए दोस्तों, पे लाइट भी आ गया और जनरेटर चालू हो गए ना, तो आज प्रोग्राम कैंसिल था। पब्लिक जो भागे हुए थे सब अपने घर, अब दौड़ दौड़ से सब अब घर से आ रहे हैं, सारा पब्लिक मेरे रूम में घुस गया, देख रहे हैं, अरे हटो ना, इतना सारा पब्लिक सब मेरे रूम में घुस गया, देखिए देखिए, ये मेरा मेकअप रूम था। तो
आज का शो हुआ समाप्त। इस मंच में मैं मौलाना सर और मुझे देख सकते हैं सेटअप प्लीज आप लोग गेट के वहाँ जाए, स्कूली बच्चों को ऑडियंस सब बाहर जा रहे हैं, जिस गाड़ी में वो जाएंगे थोड़ा सा केयर करें कि कोई बच्चा ना छूटे, थोड़ा सा देख लो क्लास में कि कोई बच्चे इधर उधर छूट ना गए। ये भैया हम बहुत मदद किए, सबको हेल्प करो गाड़ी में बैठने के लिए। ये भाई जी बहुत मेरा मदद किए हैं। आपका नाम क्या हुआ? आई रिपीट, बोलूराज क्या डीजे वाले? अच्छा अरमान, और एक अच्छी मेडिसिन भी हॉस्टल में थोड़ा सा याद करो, सारे पब्लिक यहाँ से जा रहे हो आराम से आराम से। गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है और आपको इसी मंच पर मैं मैजिक शो चल रहा था, जो देख सकते हैं आप में कितना सारे भीड़ था इसी जगह पे, सब चेयर वगैरह सब लगा हुआ था, सब चेयर सरिया दिया गया है। तब जा रहे हैं घर ट्रेन पकड़ कर, ओके तो मिलते हैं घर पे, बाय बाय। तो वहाँ से हम लोग निकल चुके हैं स्टेशन की ओर, अभी हम लोग पकड़ेंगे ट्रेन और ट्रेन पकड़ कर जाएंगे पटना। और अंकल जी हैं जो इस स्कूल के गाड़ी चलाते हैं, जो देख सकते हैं इसी ओमनी से जा रहे हैं, इसकी ही गाड़ी है। आप पीछे में जादू करने लो, कुछ लोग सो गया है।